दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, अभी 2-3 दिन पहले सेबी की मीटिंग हुई थी और उसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे नए एफएनओ को लेकर के, कुछ नए रूल्स के कुछ डिसीजन लिए गए थे, कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग आजकल आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि लॉट साइज बहुत महंगी हो गई है। क्या आप छोटे जो ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो 10-5 हज़ार रुपये से ट्रेड करते हैं, क्या आप वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे? ये सारी वीडियोस, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा कि क्या वो ट्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितने से कर पाएंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा उनका, ठीक है, कितनी लॉट साइज हो गई हैं और ये कब से अप्लाई होने वाले हैं रूल्स जो हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे पहले जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होता था वो लगभग 5 से 7 लाख रुपये होता था, अब वो बढ़ा करके 15 से 20 लाख हो गया है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया गया है तो लॉट साइज भी बढ़ा दी गई है। अब लॉट साइज बढ़ा दी गई है तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए पहले बैंक निफ्टी की लॉट जो थी 15 क्वांटिटी की थी, तो अब उसको बढ़ा दिया है, तो जो चीज़ आप पहले 500 में बाय कर सकते थे या फिर 1,000 में बाय कर सकते थे, अब उसको 1,000 में बाय नहीं कर पाओगे। तो एग्जैक्टली क्या क्या मतलब है कि क्या आप वो बाय नहीं कर पाएंगे, क्या आप वो ट्रेड नहीं कर सकते? कुछ लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि यार ये लॉट साइज बढ़ा दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिए हैं, 5 से 15 लाख 20 लाख हो गए, तो हमारा तो कुछ हो नहीं सकता। जो पहले रिटेल ट्रेडर थे 10-5 हज़ार से ट्रेडिंग करते थे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि आप लोग भी ट्रेड कर पाओगे, कैसे कर पाओगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। ये मेरा आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा लॉट साइज, ये लॉट साइज है, जो नई लॉट साइज आने वाली है जो इंडेक्स में, वो उसका लॉट साइज है। यहाँ पर आप देखोगे सेबी इज न्यू रूल्स फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स हेयर्स व्हाट चेंजिंग अक्टूबर 3, 2024 की ये अपडेट है। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है रूल्स डेरिवेटिव में, सेबी ने क्या न्यू नए रूल्स अप्लाई किए हैं वो यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑन अक्टूबर 1, 2024 सेबी रिलीज द सर्कुलर, उसका सर्कुलर आया है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, इन इंक्रीज कॉन्ट्रैक्ट साइज, करेंटली द कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग नवंबर 20, 2024 से द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू विल बी इंक्रीज टू बिटवीन 15 लाख से 20 लाख। मतलब सीधी बात यह है कि जो हमारा पहले कॉन्ट्रैक्ट साइज था वो 5 लाख से 10 लाख था, अब वो हो जाएगा 15 से 20 लाख। दिस विल इंक्रीज लॉट साइज, ये अब कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ेगा तो हमारा लॉट साइज बढ़ जाएगा फॉर इंडेक्स एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ गया है तो यहाँ पर लॉट साइज भी बढ़ जाएगा। तो क्या नई लॉट साइज आएंगी जिसमें आप ट्रेड करते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, मिड कैप में, उसमें क्या नई लॉट साइज आएंगे, क्या पुराना है क्या नया आएगा वो यहाँ पर दिख रहा है। निफ्टी में आपकी 25 की लॉट है वो 60 की हो जाएगी, मतलब सीधे डबल से ज़्यादा हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो 15 की लॉट साइज है वो हो जाएगी 30 की, ये फिक्स डबल हो गया। फिर निफ्टी में 25 का 65 हो गया, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में हो गया 10 का 20, मिड कैप में हो गया आपका, मिड कैप निफ्टी में 50 से 115, ये तो डबल से ज़्यादा हो गया। सेंसेक्स में 10 का 20 हो गया, बैंक एक्स में 15 से 20, 25, मतलब हम कह सकते हैं एवरी इंडेक्स में जो पहले लॉट साइज थी उनको डबल कर दिया है, और किसी किसी इंडेक्स में डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। तो बैंक निफ्टी में 15 का 30 हो गया है, और सेंसेक्स में 10 का 20 हो गया है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 10 का 20 हो गया है, बाकी सब में डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी न्यू लॉट साइज देंगी। अब बात ये आती है कि क्या अब नए जो ट्रेडर हैं, जो सॉरी जो रिटेल ट्रेडर थे पहले करते थे, क्या अब वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे? तो बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी ट्रेड कर पाएंगे, परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। अभी 15 की जो लॉट साइज थी, मान लीजिए पहले आप 1 लॉट बाय करते थे वो 5 हज़ार में बाय करते थे, तो हो सकता है आपको 10 हज़ार में बाय हो जाएगी, ट्रेडिंग तो कर ही पाओगे ना आप। दूसरा 10 हज़ार में बाय हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं कि डबल ही आप डबल क्वांटिटी डबल डबल मनी ही चाहिए। मान लीजिए बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी, आज न्यू नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं बृहस्पतिवार को, मान लीजिए सॉरी निफ्टी की बृहस्पतिवार को एक्सपायरी फिनिश हो जाती है, अगले दिन से हमारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं, तो निफ्टी में एक्सपायरी आते आते तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा, ऑप्शंस के जो प्राइस होंगे, प्रीमियम होंगे, वो तो कम हो जाएंगे ना। अभी भी मान लीजिए आप जो है बैंक निफ्टी की जो नई एक्सपायरी स्टार्ट होती है वीकली जो है, वो आपकी 300 साढ़े 300 के आसपास से स्टार्ट होती है ना, 450 कई बार महंगे हो जाते हैं, लेकिन एक्सपायरी आते आते तो वो प्रीमियम आपके 150
200 ऐसे रह आते हैं ना, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लस यहाँ पर और क्या चेंज हुआ है, यहाँ पर वीक में दो ही एक्सपायर हुआ करेंगी, एक निफ्टी की, सॉरी एक हुआ करेगी आपकी एनएससी की और एक बीएससी की। ठीक है, अब ये एनएससी और बीएससी के पास कितने इंडेक्स हैं, कई सारे इंडेक्स हैं। तो अब यहाँ पर एनएससी अपना वीक में कौन से इंडेक्स की एक्सपायरी ला रहा है वो आप देख सकते हो, वहाँ पर पता चल जाएगा, अभी उनका फिक्स नहीं हुआ है। प्लस बीएससी का एक एक्सपायरी हुआ करेगी वीक में, तो ये एक रेगुलर क्रम में आया करेंगे कि मान लीजिए इस वीक में एनएससी का इंडेक्स है, मान लीजिए हमारा निफ्टी है, इस बार इंडेक्स की निफ्टी की हो गई, फिर निफ्टी की हो जाएगी अगले वीक में, इस तरीके से क्रम वाइज एक रेगुलर जो सिक्वेंस है उसमें हुआ करेंगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों की सुविधा के लिए ही किया गया है। पहले बहुत ज़्यादा एक्सपायरी हो गई थी, हर दिन एक्सपायरी हो गई थी, तो उसमें क्या है, गैम्बलिंग करते थे लोग, रोज एक्सपायरी करते थे, 1,500 रुपये, 2,000, 5,000, 10,000 रुपये लेकर आ गए और गैम्बलिंग करते हैं कि रोज एक्सपायरी है, हो सकता है आज चला है लेकिन अगले दिन वो 10,000 का 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, तो गैम्बलिंग करने लग जाते थे और गैम्बलिंग में उनको हो जाता था लॉस। तो ये आपकी सुविधा के लिए किया है, बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इससे ट्रेडर जो है, बढ़िया ट्रेडर है जो बाकी में ट्रेडिंग करता है एनालिसिस के साथ, लर्निंग के साथ, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ की गई है ये। ठीक है, मार्केट में जो अनएक्सपेक्टेड मूव आते थे, स्पाइक मार दिया एक ही कैंडल एक्सपायरी वाले दिन, है ना, वो सब कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। प्लस गैम्बलिंग जो लोग करते थे उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा लॉट साइज बढ़ा करके, जो बेचारे रोज लाख खा रहे हैं वो भी, उनको भी शौक लग गया था, लत लग गई थी, वो भी ट्रेड करने आते थे, तो थोड़ा सा पैसा भी बढ़ा दिया है, डबल कर दिया निफ्टी के सॉरी लॉट साइज को, तो थोड़ा सा पैसा बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा तो दूरी तो बनाएंगे वो। तो इस तरीके से अपने सुविधा के लिए क्या है, बहुत बढ़िया चीज़ है और बिल्कुल बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि इस पे कि लॉट साइज बढ़ा दिया। ये आपकी सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये आपके भले के लिए कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है एक्सपायरी वाले दिन जो ट्रेड करेंगे उनमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है, 2% का एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। अब ये क्यों लगाया है, जब एक्सपायरी होती है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि एक्सपायरी वाले दिन इंडेक्स में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले की बात है, शायद 1-2 महीने की शायद पहले की बात है, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो उसमें क्या हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन आपने देखा होगा कि ब्रोकर ब्रोकर जो होते हैं वो ग्लिच कर देते हैं, ग्रो ग्लिच मार गया, कभी जीरोधा ग्लिच मार दिया, है ना, ऑर्डर सेल नहीं हुआ, प्लेस नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ था कि इंडेक्स इंडेक्स हैंग हो गया, मतलब ब्रोकर से जो ऑर्डर आपने प्लेस किया सेल करने के लिए, वो ब्रोकर से तो हो गया, जब ब्रोकर से बात की तो वो उसने बताया कि हमारी तरफ से तो हो गया था कि इंडेक्स जो है बीएससी वो हैंग हो गया था। तो कैसे हुआ, उससे पूछा गया तो उसका यही रिप्लाई था कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होने की वजह से पूरा इंडेक्स ही हैंग हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगाया है, तो कम लोग आए ताकि उसमें क्या है, ऑर्डर कम प्लेस हो, वॉल्यूम कम क्रिएट हो, तो हैंगिंग वैंगिंग का जो सिस्टम है वो कम हो। ठीक है, तो ये आपके भले के लिए क्या है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बाकी लर्निंग करते रहिए, अर्निंग करते रहिए, विदाउट लर्निंग के इस मार्केट में मत आइए। मेरे पास बहुत सारे लोगों को लाते हैं, सर टिप्स दे दो, आप टिप्स दे दो, मैं किसी को कॉल टिप्स नहीं देता और ना ही किसी के चक्कर में पढ़ना, ना ही अकाउंट हैंडलिंग के लिए किसी को दो, ना टिप्स के चक्कर में पढ़ो, ऑनलाइन लर्निंग में फोकस करो। ठीक है, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे लर्निंग, जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो लर्निंग करें, वो ये ना सोचें कि मैं पहले कमा लेता हूँ उस मार्केट से, पहले कमा लेता हूँ उसके बाद लर्निंग करूंगा, ऐसा ये बहुत गलत थॉट है। क्या आप पढ़ते हो तो आप ये सोच के पढ़ते हो कि पहले मैं नौकरी करके आता हूँ इंडस्ट्री में उसके बाद पढ़ूंगा, दिक्कत हो जाएगी ना ऐसे, तो पहले सीखो उसके बाद उसमें काम करो। ठीक है, होता क्या है, पहले आप ट्रेडिंग करने लग जाते हो, फिर लॉस हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि नहीं यार लॉस हो गया, पहले इसको रिकवर कर लेता हूँ, फिर रिकवर करने के चक्कर में और ज्यादा लॉस होता है, तो फिर आप फंसे रहे तो दलदल में, फिर आपकी सीखने की भी हिम्मत नहीं पड़ती और आप बोल देते हो ये मार्केट गैम्बलिंग है, ऐसा नहीं करना है, उल्टा आप सीखो पहले, ठीक है, उसके बाद काम करो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल का आपने फॉलो नहीं किया तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग लर्निंग करना चाहते हैं वो हमारी लर्निंग के लिए नीचे लिंक है, उसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।